मौजूद होता है, तो वो खुद ही उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आप 18 रुपये वाला कोई हिसाब किताब नहीं, स्लैब्स बनाई हुई हैं 200 अप टू 200 तक, 5200 तक किसी किस्म की कोई चार्ज नहीं होता। फिर उसके बाद जो अमीर है वो पूरी दुनिया के अंदर होता है, जो 6-6 एयर कंडीशन चलाता है, 4-4 एसी चलाता है, हीटर बिजली के साथ चलाता है, जो भी मामलात हैं, तो जो अफोर्ड कर सकता है तो वो उस स्लैब में जाता है। लेकिन जो गरीब आदमी, जो हमारे 60% लोग हैं, उनके लिए हमारी जो स्लैब है अप टू 200 जो हमारे यूनिट्स कंज्यूम होते हैं, वो 300 देन 4 देन 6 700 देन अबव 700, फिर वो इंडस्ट्री भी उसमें आ जाती है, दूसरे मामला भी आ जाते हैं, फिर टैरिफ उस हिसाब से जाता है। सर ये बता दीजिएगा, आपने कहा कि चोरी भी रोकी है, लैंड लॉसेस भी कम की है, तो कायमा कमेटी को जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें 250 अरब 300 अरब सालफीन से वसूल कर लिए गए, ये सिलसिला कब तक जारी है? देखिए जी, किसी किस्म के वसूलियाँ नहीं की गई। मैं आपको अर्ज सुन लें मेरी प्लीज, नेपरा के पास एक पिटीशन थी, जो लॉसेस नेपरा डिटरमिन करता है और जो एक्चुअल लॉसेस, मैं आपको सर्कुलर डेट की थ्योरी समझाता हूँ, ये बड़ा मेजर कंपोनेंट है उसका। जो एक एक्चुअल लॉसेस होते हैं जो नेपरा डिटरमिन करता है, वो 4-5% का गैप है, उसको हम ब्रिज नहीं कर सकते। वो पिटीशन गई हुई थी नेपरा के अंदर, उन्होंने तमाम डिस्कोज अपनी पिटीशन लेके गए थे, वो नेपरा ने वो जो गैप है उसको फिल किया है, और उसका किसी किस्म का हैवी वेट धचका आवाम को नहीं लगने दिया जाएगा। जो रिकवरीज हैं उसी तरीके से उसको वसूल किया जाएगा, एट वंस ये काम नहीं होगा। पार्लियामेंट की जानते जो बिल पास हुआ उसके खिलाफ अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट चली गई है, आप क्या समझते हैं कि ये अपोजिशन? वज़ीर मुमलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अभी आपको खबर देंगे कराची से, इस्लामिया कॉलेज की निस्कारी के खिलाफ तलबा सड़कों पर निकल आए हैं, पीपल्स सेक्रेटेरिएट चुरंगी बोर्ड को ब्लॉक कर दिया गया है। कराची से अपडेट कर रहे हैं आपको, जहां पर इस्लामिया कॉलेज की निस्कारी का मामला है और इस निस्कारी को रुकवाने के लिए तलबा सड़कों पर निकल आए हैं और पीपल्स सेक्रेटेरिएट चुरंगी रोड पर इस वक्त एहतजाज